अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। हमने आपके साथ बहुत सारी ऐसी रेसिपी शेयर की जो बच्चे खासतौर पर बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन वो रेसिपीज बड़े भी शौक़ से खा सकते हैं। और उनमें एक जो सबसे सर फहरिस्त रेसिपी आती है वो है पिज्ज़ा। और पाकिस्तान में बड़े अरसे पहले आया था और हो गए तकरीबन मेरे ख्याल में 22-23 साल अंदाजन रफली। और प्रॉपर फ्रेंचाइज पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ। वैसे तो पिज़्ज़ा ज़मानों से, पहला पिज़्ज़ा मैंने जो खाया था वो 1984 में कराची में एक एरिया था तारिक रोड, किंग्स एंड क्वींस पिज़्ज़ा था। सबसे पहला पिज़्ज़ा बेहतरीन था और हमें वैसे और आइडिया नहीं था इतना कि और कौन से। फिर बाद में फ्रेंचाइजेज आई और बड़ी बड़ी नाम की फ्रेंचाइज बंद हो गई, लेकिन बहुत अच्छा काम ये हुआ कि हमारी लोकल फ्रेंचाइजीज चल पड़ी और उनके पिज़्ज़े बहुत ही आला, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के, वुड फायर्ड ओवन में, बहुत सारी बड़ी रेंज है। तो आज हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो बेसिकली पिज़्ज़ा ही है, लेकिन पिज़्ज़ा पिन व्हील्स है। वो आपको दिखाएंगे पिन व्हील्स क्या है। साथ में हम बिनोफी योगर्ट पॉट्स बनाएंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी योगर्ट के साथ बनेगी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। साथ में ब्रेकफास्ट सीरियल बॉल बना रहे हैं और वो हम बनाएंगे। हमारे यहाँ पर फाइबर लेक्स है और ये बेसिकली सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद, आपका शुगर कंट्रोल करेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और आपका निज़ाम हज़म बेहतर करता है और आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ये सारी की सारी खूबियाँ सिर्फ इसमें, और इसका एक बॉल आपके लिए बना के देंगे, ब्रेकफास्ट में आप खाएं, सारा दिन एनर्जेटिक भी रहेंगे। ये जो ब्लोटिंग होती है जिसको आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज़ खा लें तो हज़म नहीं होती, वो हाजमे को बिल्कुल थ्रू कर देगा। हमारे खाने में डाइट में फ़ाइबर का बहुत कम इस्तेमाल है, लिहाजा ये फ़ाइबर बेसिकली फाइबर लेग्स आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा पिन व्हील्स के लिए रेसिपी। एक पैन ले लिया और इसका चिकन सबसे पहले पकाएंगे, और चिकन का कीमा मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें, और कीमा है इसमें अल्लाह भला करे आपका 350 ग्राम या 375 यानी 1.5 पाव। और डो इसका पहले बना के रख लिया है। डो काफ़ी दफ़ा हम आपको बनाना सिखा चुके हैं। सिंपली इसके इंग्रेडिएंट जहन में रख लीजिएगा। आधा किलो इसमें हमने मैदा इस्तेमाल किया, खमीर 1.5 खाने का चम्मच है, चाय का चम्मच नहीं, गलती चली गई है, 1.5 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच है, चीनी 1 खाने का चम्मच। चीनी हमेशा जहन में रखिएगा, इस वजह से शामिल की जाती है ताकि डो राइज हो। ये बेसिकली जो खमीर डालते हैं हम, ये शुगर के साथ रिएक्ट करके, गंदम के आटे में भी या मैदे में भी शुगर होता है लेकिन वो कम होता है, लिहाजा आपको एक्स्ट्रा शुगर शामिल करना पड़ता है। ये खमीर जो यीस्ट है ये शुगर से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसी वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा शुगर डालना पड़ता है, लेकिन इससे डो मीठा नहीं होता। 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 अदद अंडा। इसको आपने डो को बना के इसको कवर करके रखिएगा, और इसको एक दो दफ़ा फूले तो आपने इसको प्रेस करके दोबारा फिर फूलने देना है। 2-3-4 मरतबा फूलेगा तो फिर ये डो बहुत बेहतरीन बनेगा। फिलहाल हमारा डो बिल्कुल रेडी है, हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके लिए हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम चिकन की कुकिंग कर रहे हैं, सो थोड़ा सा ऑयल आ गया और क्विकली इसमें आ जाएगा कीमा 1.5 पाव चिकन का कीमा आ गया, और इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है। ऑयल का इस्तेमाल जहन में रखेगा, बहुत कम ही रखा है हमने, 2-3-4 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ में इसमें हम शामिल कर देंगे कुटी लाल मिर्च, ये आप पे डिपेंड करता है, शामिल करनी है तो कर ले, नहीं तो नो इशू, 2 खाने के चम्मच और इतनी ज़्यादा नहीं है। और साथ में हम इसमें शामिल कर रहे हैं हमारा पिंक सॉल्ट। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, तेज़ आंच पे पकाना है। चिकन जैसी पक गया फिर हमारा काम बिल्कुल सिंपल। पिज़्ज़ा सॉस इसमें हम रेडीमेड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस भी हम 3-4 दफ़ा बनाना सिखा चुके हैं आपको, और थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसी वजह से हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार रखा हुआ है। ये पिज़्ज़ा सॉस आप बना के फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज़र में आपके 2-3 महीना आराम से निकालेगा, जब चाह यूज़ करना निकाल लिया और यूज़ कर लिया। चिकन के कीमे को जब तक हम पका रहे हैं, और इसको इस वजह से मैं पका रहा हूँ कि इसको हमने थोड़ा पकाने के बाद थोड़ा सा ठंडा भी करना होगा, उसकी वजह है कि अगर गर्मा गर्म हुआ तो ये डो में हम डालेंगे, डो को हमने रोल करना है, पिन व्हील्स से मुराद पूरा डो बिछाएंगे, इसको रोल करेंगे, इसके अंदर सारी फिलिंग आएगी। तो अगर चिकन का कीमा गर्म होगा तो फिर ये रोलिंग आसानी से नहीं हो पाएगी, डो नरम हो जाएगा और आप इसको रोल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सबसे पहले हम चिकन पका रहे हैं, ताकि जैसे चिकन पक जाए, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए, ये पक चुका, 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी काली मिर्च आखिर में शामिल कर रहे हैं। कुकिंग टाइम इसका चिकन के कीमे का मैक्सिमम 5-6 मिनट है बस। तेज़ आँच पर इसको फ्राई किया और टोटल 4-5 मिनट बस। इसके बाद कीमा हमारा हो जाएगा रेडी। कीमे को हमने निकाल लेना है 1 अदद बॉल में या प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और इसको हम इस्तेमाल कर सकें। ठंडा होना इसका इंतहाई ज़रूरी, अदरवाइज़ फिर हम इसको डो को रोल नहीं कर पाएंगे।
तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ यहाँ पे एक प्लेट में, और ओह ये कुटी लाल मिर्च जो है ना वो तबाही मचा देती है। चलिए जी, इसको हमने जब तक फैला दिया, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगा ज़रा खुला कि ठंडा हो जाए। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो डो को मैं बिछा चुकाऊँगा और फिर इसकी सारी लेयरिंग करेंगे। फिर ये जाएगा ओवन में, ओवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 225 डिग्री पे। कहीं जाएगा बिना पाए पिज्ज़ा पिन व्हील्स। अच्छा, डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 375 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, पिज्ज़ा सॉस 1.5 कप, काले जैतून स्लाइस 1 तिहाई कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद बड़ी, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। ले जी वापस आ गए, और ये हमने शीट पूरी बिछा दी रेक्टेंगुलर शेप में। इसको आपने बेलते जाना है, और जहन में रखना है कि आपने इसको थोड़ा सा ज़रा लूजन अप कर दें। ये अगर आपने इसको बेल दिया और फिर आपने इसको थोड़ा ढीला नहीं किया, ढीले से मरा दी, देखें इस तरह उठा के छोड़ेंगे तो डो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। अगर खिंचा होगा डो तो ये अपने वापस और ये रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। ये एक काम हो गया। अब आ जाते हैं हमारे जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं चेडर और मोज़रेला चीज़ ऑलपर्स की। अगेन ये बड़ी गज़ाइत के हवाले से बहुत बेहतरीन पनीर है, और टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है। और जितने भी खाने बनाने उसमें, चाहे वो देसी खाने हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, सब में बेहतरीन चलता है। तो सबसे पहला काम, हमने ऑलपर्स की मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक ले लिया। इसमें दोनों पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल्दो पिज्ज़ा में सिर्फ मोस्टली मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल होती है। मैं दोनों यूज़ करता हूँ, मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन टेस्ट अच्छा लगता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसमें अगर सिर्फ एक ही चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑलपर्स की मोज़रेला ये ब्लॉक लिया, और ये मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक है, ये आ गया कद्दूकश। और हमेशा मैंने आपको बताया था, आमतौर पे लोग कद्दूकश की मशीन को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जो कद्दूकश करने का है, और ये बड़ा तकलीफ़देह होता है। इस तरह आप कट रहे हैं इसको, तो इसको लिटा दें। लिटाया, ये देखें कितनी आसानी से हो रहा है, ईज़िली ये हम इसको कद्दूकश करते जाएंगे। बल्कि ये वाला एंगल दिखाया ना, देखें ये आ गया। तो हमारी बहुत ही क्रीमी मज़े की ऑलपर्स की मोज़रेला चीज़, अभी चेडर चीज़ हमारे पास आ रही है कद्दूकश होके, और ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कैसे कद्दूकश करते हैं। देखें, इसको बिछा देंगे, पूरे दो ब्लॉक इसमें इस्तेमाल होंगे। एक कप लिखा हुआ है मेरे ख्याल में से, हाँ एक कप लिखा हुआ है, एक कप पूरा एक ब्लॉक, जो कि मेरे ख्याल में 250 ग्राम का है आई थिंक। तो ये पूरा ब्लॉक आपका इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। ये पहले कद्दूकश कर लिया, चले जी बस ये काम हमारा पूरा। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ, और चीज़ें हमारे पास सारी आ गई, जिसमें पिज़्ज़ा सॉस, सब्जियों में हम इसमें ब्लैक ऑलिव्स और शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारा कीमा आ गया, और ये हमारे आ गई मोज़रेला चीज़। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और सबसे पहला काम करेंगे इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस फैलाएँगे। ये पिज़्ज़ा सॉस आ गया, और ये पूरी रोटी पे आएगा कंप्लीट, यानी साइडों तक। सो इसको फैलाते, अच्छा बहुत नहीं शामिल करना, जहन में रखना है पिज़्ज़ा सॉस है, जायका देता है, लेकिन इसको अपने क्वांटिटी जहन में रखनी है। बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया तो ये इसका फ्लेवर ओवर हो जाएगा। अभी मैं आप सारा फैलाता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस कितना इस्तेमाल करना है, और पूरी एजेस तक जाएगा, एज तक बिल्कुल। ये क्या पनीर नहीं आई भाई अभी तक, शाबाश जल्दी करें। ये ले जी, ये देखें अब सॉस आपने देख लिया कितना हमने इसमें लगाया, और देख रहे हैं बिल्कुल एच तक जा रहा है, यानी कहीं पे भी आपको ब्रेड जो है बगैर सॉस के नज़र नहीं आ रही। ये आ गया, इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है ये चिकन का कीमा जो हमने पकाया था। आप चाहें तो स्लाइस मीट भी डाल सकते हैं, लेकिन पिन व्हील्स में ये बेहतर रहेगा। पिन व्हील्स अभी आपको दिखाते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि पिन व्हील्स क्या हैं तो वो भी अभी आपको दिखाते हैं। कीमा भी हमने इक्वली फैला दिया, और मैंने आपको बताया था इसको ठंडा तो ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ये रोटी के ऊपर डालेंगे तो रोटी को बेलना और रोल करना आपके लिए
थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको इक्वल किया, इसके बाद आ गए इसके ऊपर काले जैतून। सब्ज़ियाँ आपकी अपनी चॉइस की हैं, प्याज शामिल कर सकते हैं इसमें, शिमला मिर्च, मशरूम्स, जौन सी भी सब्ज़ियाँ आपको आसानी से दस्तियाब हो और फ्लेवर पसंद हो। ब्लैक ऑलिव अलबत्ता थोड़ा ज़रा ये ओल्डर एज के लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, बच्चों को कम पसंद होता है, लेकिन अगर आपके बच्चों को पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। ये इसमें आ गई शिमला मिर्च, और इसके बाद आ गया इसमें हमारा बहुत ही मज़े का और टेस्टी और ग़ज़ाई से भरपूर ऑल पर्स की मोज़रेला चीज़। ये पूरा ब्लॉक इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ज़हन में रखिएगा। और सबसे पहले आ गया, जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोशिश करेंगे बिल्कुल एजेस तक जाए। ये आ गई इसमें मोज़रेला चीज़, और ये आ गई इसमें हमारी ऑल पर्स की चेडर चीज़। ये पूरा ब्लॉक आ जाएगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसेज में इस तरह हमने डाल देना है, ये मेल्ट होके सारा का सारा बराबर हो जाएगा। बस ये जैसी कंप्लीट हो गया फिर इसको हम रोल करेंगे। तो सबसे पहला काम, इसमें हमने मीट डाला, सॉस डाला, मीट, उसके बाद वेजिटेबल्स, और उसके बाद ऑल पर्स की चेडर एंड मोज़रेला। अब इसको हम करते हैं रोल। अच्छा, दो रोल करने के दो तरीके हैं, या तो इस तरह कर लें इस साइड से तो आपको बेसिकली ये इसके जो पिनव्हील्स हैं कम मिलेंगे, रोल उसके लेयर ज़्यादा मिल जाएंगी। मैं इसको इस तरीके से करूँगा, और इसको आपने देखें, ये रोटी ली एजेस से, हाथ से ऊपर करते जाएं, और नीचे आपने मैदा थोड़ा ज़्यादा रखना है, अदरवाइज़ ये नीचे से चिपक जाएगा, फिर आपको रोल करने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत दरपेश आएगी। इसको आराम आराम से देखें बराबर करके, ये बस ये पूरा रोल बन गया। अब हम लेंगे, एक तो छुरी, छुरी दे दे भाई कोई तेज़ छुरी, शाबाश। और ट्रे हमारे पास तैयार है, ये आ गई ट्रे। अब इनको हम पीसेस में काटेंगे और इसमें अरेंज करेंगे, और ये चला जाएगा ओवन में बेक होने। सो इसकी जो फ़िलहाल ये साइड है इसको हम छोड़ देते हैं, और यहाँ से काटना शुरू करें। 2 इंच की थिकनेस में भी काट सकते हैं, 1.5 इंच की भी। ये देखें, ये आ गए पिनव्हील्स, इसको बोलते हैं पिनव्हील्स। और इसमें थोड़ा सा फासला हमने रखना है, ये देखिए, बस इतना इतना फासला रखना है। और इसको मैं कोशिश करूँगा थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दूँ, थोड़ा ज़रा इसके ऊपर हम गीला कपड़ा रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। वैसे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बेस्ट रिज़ल्ट ये है कि आप इसको काट के थोड़ी देर के लिए ट्रे के ऊपर रख दें, और किसी कपड़ा इसके ऊपर रख दें ताकि थोड़ा सा राइस कर जाए, फिर हम इसको बेक करेंगे। और बेकिंग टाइम इसका 15 मिनट है, मैक्सिमम 20 मिनट। ओवन पहले से ऑन है, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं हम पिनव्हील जब तक यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, और इसके बाद हमारी 2 रेसिपीज बाकी है वो भी बनाएंगे। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। पिज्ज़ा पिनव्हील्स अट्सा 2 के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, तेल 4 खाने के चम्मच, अंडा 1 अदद। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 375 ग्राम, नमक 1 चाय का चम्मच, पेपर 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, तेल 5 खाने के चम्मच, पिज्ज़ा सॉस 1.5 कप, काले जैतून स्लाइस 1/2 कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद बड़ी, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। चलिए वापस आ गए जी, और पिज़्ज़ा पिनव्हील्स अभी मैंने एक और ओवन में रखे हुए, उनको थोड़े फूलने के लिए, क्योंकि इसका बेकिंग टाइम बहुत कम है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने किया क्या। बेसिकली हमने एक डो बनाया, डो के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस जो कि तैयार था वो डाला, चिकन हमने कीमा पकाया जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च शामिल की थी, और नमक बस। उसके बाद सब्जियों में हमने शिमला मिर्च और काले जैतून, और उसके बाद हमने इसमें ऑल पर्स की चेडर मोज़रेला दोनों के एक एक ब्लॉक इस्तेमाल किया, पूरा डाल के उसको रोल किया। रोल करने के बाद इसके स्लाइस काटे इस तरीके से, ओवन में रख दिए। ओवन में मैंने इसको थोड़ा फूलने के लिए मैंने एक लोटे में पानी, ये कंटेनर में पानी लेके खूब गर्म हो गया, वो ओवन के लिए रख दिया है। 10 मिनट उसमें छोड़ेंगे। इसके बाद इसका बेकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली देखें 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। ओवन मैंने इसको 250 डिग्री पे कर दिया है। 200 पिज़्ज़ा जब भी बनाएं 225 से 250 डिग्री का टेम्परेचर रखेंगे, राइट टेम्परेचर है। अब आ जाते हैं हमारे बेनोफी योगर्ट पॉट्स की तरफ, और इसके लिए हमने यहाँ पे ले ली चीनी, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी बस। और इसको अब हमने रखना है, मेल्ट करना है शुगर को। ये क्यों कर रहे हैं, बेसिकली इन पॉपकॉर्न्स को हमने इसमें ग्लेज करना है, कैरमल समझ ले, कैरमल बनाना है। सो यहाँ पे
इसकी आंच हमने थोड़ी सी कम करनी है, कम रखनी है, और इसमें चम्मच वम्मच नहीं चलाना है, इसको छोड़ देंगे धीमी आंच पे, बल्कि छोटे चूल्हे पे ले आते हैं। और ये आ गया, बस इस चूल्हे पे आराम से पकता रहेगा। जैसे ही मेल्ट होगा इसमें हमने ये पॉपकॉर्न डाल देने हैं, और एक मतलब एक ट्रे चाहिए हमें हल्का सा ऑयल लगा के, और उसके बाद फौरी तौर पे जैसे ही इसमें हमने कैरमल, ये जो आप कभी सिनेमा में जाते हैं ना, सिनेमा में आपने कैरमल पॉपकॉर्न खाए होंगे, ये वो है एग्जैक्टली। तो पॉपकॉर्न तैयार बाज़ार से ले लिए, अदरवाइज़ ये बनाने भी बहुत आसान है। किसी दिन शो में आपको पूरे कैरमल पॉपकॉर्न और ये सारी इसकी बड़ी वैरायटी है जो सबसे मशहूर तरीन है सिनेमा में, वो ये कैरमल पॉपकॉर्न है, और उसका बनाने का बड़ा आसान तरीका। पॉपकॉर्न हमने यहाँ पे रखे हुए, चीनी यहाँ पे रख दी, इसको आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने देंगे, जैसी मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगी फिर हम इसमें पॉपकॉर्न डालेंगे और उसको सिर्फ मिक्स करेंगे और एक ट्रे में फौरी तौर पर बिछा देंगे ताकि ठंडा हो जाए। मैं आपको क्योंकि इसका बता दूँ, ये बेसिकली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरऑल रेसिपी बहुत अच्छी है, मज़े की बहुत है। सो इसमें बेसिकली दही इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, दही कोशिश करना है कि इसमें मीठी दही हो, मीठी से मुराद बहुत खट्टी ना हो, अदरवाइज़ ये बिल्कुल रेसिपी को चेंज कर देगी। ये एक बेसिकली एक किस्म का डिज़र्ट है, और इसमें आपने दही मीठा लेना है, मीठे से मुराद चक्की लीजिएगा। बेस्ट इसके लिए टेट्रा पैक है, बेस्ट दही, क्योंकि उसका जायका पूरे पाकिस्तान में हर जगह एक जैसा होता है। मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ कि जी कुकिंग में आप टेट्रा पैक के दही इस्तेमाल करें, उससे आपका टेस्ट बेहतर रहेगा। जिस रेसिपी में हम दही इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ज़्यादा खट्टा दही हुआ तो ये ओवरऑल टेस्ट को बिल्कुल को यकसर तब्दील कर देगा, और आपको फिर मज़ा नहीं आएगा उस रेसिपी। ये देखें, शुगर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट भी हो रही है, और हल्का हल्का से यहाँ पे इसके कलर भी आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसको हम छेड़ नहीं रहे, चम्मच वम्मच नहीं चला रहे। दही इसमें आधा किलो है, शायद इसमें चार खाने के चम्मच, वनीला एसेंस एक चाय का चम्मच है, केले 6 अदद है, और कैरमल सॉस इसमें 1 कप है, ये ऊपर से डलेगा, और पॉपकॉर्न 4 कप हमने ले लिए, चीनी 1 कप, और चॉकलेट ब्लॉक 100 ग्राम है, ये ऊपर से ग्रेट करके हमने इसमें शामिल करना है। तो एक पैन को बेसिकली इसमें हमने सिर्फ 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल की, और पानी शामिल किया, चीनी डाल के उसको धीमी आंच पे उस वक्त तक छोड़ रहे हैं जब तक ये कैरमलाइज ना हो जाए, कम्प्लीटली मेल्ट ना हो जाए, फिर कैरमल इसमें ये डालेंगे। और उसके बाद इसमें डालने के बाद इसमें हमने एक बाउल में दही, शहद और वेनिला एसेंस डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सो ये आ गया हमारा दही, और ये आ गया हमारा बाउल। सो दही आ गया, साथ में इसमें आ जाएगा शहद, और साथ में आ गया थोड़ा सा वनीला एसेंस 1 टीस्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं, दैट्स इट। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है, और ये हमारा बेसिकली योगर्ट मिक्स हो जाएगा तैयार। सो दही हमारा हो गया रेडी, सिंपली इसमें शहद शामिल किया, थोड़ा सा वनीला एसेंस और दही और शहद साथ में, दैट्स इट, ये तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, और अब हमने इसको थोड़ा सा ज़रा मिक्स करना है, आराम से देख लें, थोड़ी सी मैं आँच इसकी अब बढ़ा दूंगा क्योंकि अब काम तेज़ करना है हमने। जैसे ही ये कैरमल तैयार हुआ, फौरी तौर पे हमने इसमें पॉपकॉर्न शामिल कर लेने, और इसको मिक्स करके एक ट्रे आ गई हमारे पास, तो हमने इस ट्रे में इसको बिछा देना है। ये आ गया, ये देखें, अब इसमें कलर आप भी आना शुरू हो गया, शुगर मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया। इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, जब इसको आप मेल्ट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स ये शुगर पथरा जाती है, अगर पथरा गई तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको और धीमी आँच छोड़ दें, और जितनी धीमी आँच छोड़ेंगे और चम्मच ना चलाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, और मैं इसकी आँच थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, बस अब आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर देखें हल्का सा होना शुरू हो गया, कैरमल प्रॉपर कलर जब तक नहीं आता उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। और आँच मैंने इसकी अब तेज़ कर दी है, अब फौरी तौर पे जो शुगर थोड़ा बहुत मेल्ट होने से रह गया था वो मेल्ट होगा और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यानी अभी आपको जो झाग सफ़ेद नज़र आ रहा है ये नहीं नज़र आएगा, और शुगर बिल्कुल लेवल नज़र आएगा, यानी सारा मेल्ट हुआ हुआ। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और आँच फुल रखी हुई है, ये हमारे पास क्या उसको कहते हैं पॉपकॉर्न तैयार पड़े हुए हैं, ये बाज़ार में तैयार भी मिलते हैं बैग में, आप सिंपली इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं, और या वो इम्पोर्टेड हैं थोड़े से महंगे, देसी पॉपकॉर्न भी मिलते हैं वो भी बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन आप कोशिश करके इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपको पॉपकॉर्न की बहुत सारी वैरायटी, 3-4 स्पाइसी चटपटे पॉपकॉर्न्स और ये कैरमल पॉपकॉर्न, ये सारे के सारे आपको बनाने सिखाएंगे, बहुत ईजी काम है, बस खाली इसका मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही शुगर सारा मेल्ट हो गया और ये कलर इसमें आना शुरू हो जाए, अभी फ़िलहाल इसमें बहुत लाइट कलर आया हुआ है, अभी इसका कलर वो कैरमल वाला हुआ नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, और इसको चलिए जी इसको हम इस चूल्हे पे ले आते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल भी हो, और आंच इसकी अब मैंने तेज़ कर दी है,
कलर इसका जहन में रखिएगा, कैरमल का, ये फौरी तौर पे आता है, यानी अभी आप देख ही रहे होंगे कि आप कलर आना शुरू नहीं हुआ और अचानक बिल्कुल जलना शुरू हो जाएगा। सो उसके दरमियान आपने बिल्कुल यहीं पे खड़े रहना है। जब भी ये कैरमल बना रहे हो, आगे पीछे गए तो समझ लें कि ये बर्बाद हो जाएगा। ये चंद सेकेंडों में, अभी देखें हल्का सा कलर है लेकिन चंद सेकेंडों के अंदर ही इसका कलर इससे एकदम अचानक बिल्कुल काला पड़ने का है। अभी बिल्कुल परफेक्ट कलर आ रहा है इसका और आराम आराम से देखें चीनी सारी मेल्ट हो गई, जो कि सबसे बड़ा इशू होता है कि चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो पाती। सो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया, बस मेरे हिसाब से बेहतरीन कलर हो गया। दैट्स इट, चूल्हा किया बंद। इसमें हम पॉपकॉर्न शामिल करेंगे और पॉपकॉर्न शामिल करने के बाद इसको क्विकली हमने मिक्स करना है। देखें सारे मिलाया, कोशिश करनी है कि शुगर को पॉपकॉर्न मुकम्मल कोट कर ले। तो ये आपके बेहतरीन जो कैरमल पॉपकॉर्न्स आपको ये इनमें मिलते हैं सिनेमा में, ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई। सिर्फ इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। ये जहन में रखिएगा, चूल्हा आपने फौरी तौर पे बंद कर देना है, अदरवाइज़ ये इसका कलर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये शामिल किया, इसके बाद आ गया ट्रे के ऊपर, फौरन बिछाया और फौरन इसको हमने ठंडा करना है ताकि इसकी कुकिंग भी रुक जाए, और इसको खोल देना है इस तरीके से सारा फौरन। बस ये हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो गए, ये मेन काम था इसका, बाकी काम बहुत ईजी है। सो इसको अभी हम फिलहाल साइड पे थोड़ा छोड़ेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, और हमारा पिज़्ज़ा जो है अब वो बिल्कुल टाइम पे आ गया कि इसको हम ओवन में रखें। लिहाजा अब्दुल्ला भाई पिज़्ज़ा दे दें मुझे। पिन व्हील्स हमारे बिल्कुल रेडी होंगे, और मैंने आपको उसको एक ओवन में रखा था थोड़ी देर के लिए, बल्कि वो ये पिज़्ज़ा पिन व्हील आ जाए, मैं ज़रा इसको ओवन में रखूँ। ये देखें ये थोड़े गिर गए और चिपक गए, बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची हो गए। लाए चले जी, ये पिन व्हील्स हमारे रेडी है, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ और बस इसको मैं रख रहा हूँ ओवन में टू बी बेक्ड फॉर 250 डिग्रीज में सिर्फ 15 से 20 मिनट। तो पिन व्हील्स हमारे रेडी हो जाएंगे, इसके बाद हमारा ये बनोफी हम ये बनाएंगे, और उसके बाद एक बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट बॉल है जो बनाएंगे फाइबर लेग्स के साथ। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ब्रेकफास्ट सीरियल बॉल, अच्छा, ओट्स 1 कप, फाइबर लेग्स 1/3 कप, शहद 5 खाने के चमचे, अंगूर 1 कप, सेब क्यूब्स 1 कप, दूध 2 कप। ले जी वापस आ गए, और अभी हम इसको ये हमारा बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है जिसका नाम है बनोफी योगर्ट पॉट्स, ये अभी हमने साइड पे रखा हुआ है, इसको सिर्फ असेंबल करना है। हम आ जाते हैं, हमारी एक और रेसिपी बाकी है जिसका नाम है ब्रेकफास्ट सीरियल बॉल। ब्रेकफास्ट सीरियल बॉल है बहुत मज़े के। सबसे पहले इसमें दूध शामिल करेंगे, इसके बाद इसमें आ जाएगा ओट्स जिसको हम जई कहते हैं, और ये अल्लाह भला करे आपका है 1 कप। इसमें ओट्स आ गए, और साथ में 1/3 कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं फाइबर लेग्स। सो ये आ गया मेन इसका इंग्रेडिएंट जो इसको बेसिकली बहुत ही हेल्दी बना देगा, और इससे तकरीबन 4 लोग मुस्तफीज हो सकेंगे, यानी 4 लोगों के लिए काफ़ी है। हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पकाना है, जैसे ही ओट्स और ये फाइबर लेग्स इसमें अब्जॉर्ब कर लेगा फूल जाएगा, इसको हम उतारेंगे थोड़ा ठंडा करेंगे, आखिर में सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्रूट्स और शहद शामिल होगा। सो लिहाजा इसको यहीं पर पकने छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ की तरफ आ जाते हैं। देखें पिज़्ज़ा पिन व्हील्स बेहतरीन पक रहे हैं, और उसको और छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं, 250 डिग्री, 5 मिनट के बाद तैयार होकर निकल आएंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे बनोफी योगर्ट पॉट्स, योगर्ट आ गया सबसे पहले, और ये दही में हमने शहद शामिल किया और वेनिला एसेंस। सो पहले 1-1 चम्मच डालेंगे, 4 पॉट आराम से बनेंगे इसमें, और 4 लोगों के लिए काफ़ी है। पहले इसमें आ जाएगा योगर्ट, दही, ये हो गया कंप्लीट, और ये देखें ये हमारा दूसरी डिश का ओट्स एंड फाइबर लेग्स भी हो गया रेडी ऑलमोस्ट। इसको मैं निकाल लेता हूँ एक बॉल में, और बल्कि यहाँ पे दे देते हैं इसको अब्दुल्ला भाई, इसको ज़रा फ्रिज पे रखें, फ्रीज़र में थोड़ा सा जल्दी एक बॉल में डाल के। अच्छा जी यहाँ पे आते हैं, ये हमारे योगर्ट बॉल भी बहुत ऑलमोस्ट रेडी हैं। इसमें अब हमने शामिल करना है सबसे पहले केला, जो हमने बेस में डालना है इसके, ऑलमोस्ट 1 बॉल में 1 केला। ये हो गया कंप्लीट, और ये आ गए हमारे पॉपकॉर्न्स, कैरमल पॉपकॉर्न्स। ये देखें आराम आराम से इसको हमने यहाँ पे, अभी देखें क्रिस्पी हो रहे हैं, थोड़े से चिपक भी जाएं तो अपने हाथ से इसको खोल लेना है इस तरीके से। ये आ गए,
ये बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, सॉफ्ट इंग्रेडिएंट जिसमें केला है और योगर्ट है, साथ में क्रिस्पी क्रंची इंग्रेडिएंट जो कि हमारे ये पॉपकॉर्न्स हैं, कैरमल पॉपकॉर्न्स, तो ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा मज़े का है। ये इसके ऊपर डाल दिए, पूरा कर दिया। अब इसके ऊपर आएगा कैरमल सॉस, अगेन ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आ जाएगा। ये हमारा कैरमल सॉस आ गया, इसकी बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, ये अभी सबसे पहली दफ़ा मैं बना रहा हूँ, इसके आगे जाके इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी शेयर करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आखिर में अपने इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट कद्दूकस कर लेना है। बस दैट्स इट, ये हमारे बॉल हो गए रेडी, इसको एक तरफ करते हैं और ये आ गए तैयार हो गए, दैट्स इट। एक एक करके इसको सर्व करते हैं और पिज़्ज़ा व्हील हमारे ऑलमोस्ट, देख रहे हैं कलर इसका बड़ा मज़े का आना शुरू हो गया, तो 3-4 मिनट इसके और चाहिए और हमारा जो अभी एक ब्रेकफास्ट सीरियल बॉल है वो अभी बनना है, उसको मिक्स होना है खाली। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बनोफी योगर्ट पॉट्स, अच्छा दही मीठी आधा किलो, शहद 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, केले 6 अदद, कैरमल सॉस 1 कप, पॉपकॉर्न 4 कप, चीनी 1 कप, चॉकलेट ब्लॉक 100 ग्राम। तरकीब, 1 पैन में चीनी और 2 खाने के चमचे पानी डालकर धीमी आंच पर कैरमलाइज्ड होने तक पकाएं, फिर इसमें पॉपकॉर्न मिलाकर फोल्ड करें और ट्रे में फैला दें। 1 बोल में दही, शहद और वनीला एसेंस अच्छी तरह मिक्स करें और सर्विंग बोल में डाल दें, उसमें पॉपकॉर्न, कैरमल सॉस और फिर ग्रेटेड चॉकलेट डाल के सर्व कर दें। ब्रेकफास्ट सीरियल बोल अज्जा, ओट्स 1 कप, फाइबर लेग्स 1/2 कप, शहद 5 खाने के चमचे, अंगूर 1 कप, सेब क्यूब्स 1 कप, दूध 2 कप। तरकीब, पैन में दूध गर्म करके ओट्स को 2 मिनट पका लें, फिर इसमें फाइबर लेग्स मिक्स कर दें, ठंडा करके फल डालें और अच्छी तरह मिक्स करके ऊपर से शहद शामिल कर दें। पिज्ज़ा पिन व्हील्स अज्जा, 2 के लिए, मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। फिलिंग के लिए, चिकन कीमा 375 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, पिज्ज़ा सॉस 1.5 कप, काले जैतून स्लाइस 1/2 कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद बड़ी, मोजरेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। तरकीब, डो बनाने के लिए इसके तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ फूलने रख दें। 1 पैन में तेल गरम करके चिकन कीमा, नमक और पेपर डाल के दरमियानी आँच पर 5 मिनट पकाएं और कुटी लाल मिर्च डाल के अच्छी तरह मिक्स करें और एक तरफ रख दें। अब डो को एक रेक्टेंगुलर शीट पर फैलाकर पिज्ज़ा सॉस, चिकन कीमा, चेडर, मोजरेला चीज़, काले जैतून और शिमला मिर्च डालें, फिर रोल करके 2 इंच के स्लाइस काटें। अब बेकिंग ट्रे में रखें और 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, ये हमारे पिन व्हील्स तैयार हो गए। अच्छा, बेक जब इसको करेंगे थोड़ा सा शायद इसकी थोड़ी बहुत चीज़ हल्की सी मेल्ट होगी, लेकिन आपने जब इसको बेक करने रखना है थोड़ा ज़रा होल्ड करके रखना है, यानी अगर आप इसको थोड़ा सा ये खुल भी रहे होंगे ना बेकिंग के दौरान नहीं, उससे पहले तो आपने इसको थोड़ा ज़रा समेट लेना है, तो फिर ये आपका रिजल्ट आएगा। बेहतरीन पिज़्ज़ा ही है पिन व्हील्स, पिन व्हील बेसिकली इसको राउंड को कहते हैं। ये हमारा बनोफी पॉट्स रेडी हो गए और यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल। इसमें हमने दूध शामिल किया और इसमें हमने शामिल किया ओट्स और इसमें हमने शामिल किया फाइबर लेग्स। अब इसके साथ हम रख देंगे थोड़े से फल, कोई से जो आपको आसानी से दस्तयाब हो और पसंद भी हो। ये बेहतरीन ब्रेकफास्ट सीरियल है और गज़ाइयत और टेस्ट के हवाले से दोनों बेहतरीन। ये आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इसको डिनर पर भी खा सकते हैं, रात के बाद एक मीठा, बहुत अच्छा मीठा है। ये आपके सारे निज़ाम हज़म के मसले, आपके कोलेस्ट्रॉल के मसले, शुगर लेवल के मसले और पेट के मसाइल सब के सब हल कर देगा। 2 किस्म के फ्रूट हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, सेब और अंगूर, ये बाकी आपकी अपनी चॉइस है। आप इसमें कोई सा फल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और आसानी से दस्तियाब भी हो। ये आ गए इसमें और इसके बाद फाइनली इसके ऊपर हम थोड़ा सा शहद डाल देंगे, अगेन जस्ट फॉर द स्वीटनेस, लेकिन बेसिकली इसको इतना मीठा नहीं करेगा। ओवरऑल आपने कोशिश करनी है कि इसको हल्का सा मिठास आ जाए और ओवरऑल आपको इसका फ़ायदा बहुत हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट, ये जी आखिर में शहद आ गया 1 टेबल स्पून एक ब्रेकफास्ट सीरियल कप में।
चलिए जी, आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई तैयार और इसको करते हैं यहाँ पे सब। ओहो ओहो ओहो, इसका तो बैलेंस ही आउट है। बल्कि इसको पहले निकाल लेते हैं और इसको कहाँ रखें, जगह इसकी हमने बनाई नहीं, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। इनको आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद ये इधर आ गया। चल, ये ले जी, आज की हमारी तीनों रेसिपीज रेडी हो गई। इसकी मैंने आपको बताया बेनोफी पॉट्स, ये बेसिक आइडिया है। इसकी बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी वैरायटी है। आज पहली दफ़ा आपके साथ शो में बनाया है, इसकी इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको काफ़ी सारी डिटेल्स बताऊंगा। और कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने हैं तो बहुत ईजी, आपने दिखा दिया। मैंने आपको नॉर्मल पॉपकॉर्न ले लें घर में, उसको जो बैग में आते हैं उसको प्लेन वाले ले लें, और उसको शुगर पे आपने सिर्फ कोट करना है और ये इसके साथ सर्व कर लिया। इसकी सबसे ख़ास बात, इसका जो मिक्स है योगर्ट का वो बड़ा मज़े का है, सॉफ्ट, केले सॉफ्ट, ऊपर से ये क्रंची, और साथ में हमने कैरमल सॉस ऊपर डाल दिया और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ हमने ग्रेटेड चॉकलेट। पिन व्हील्स हमारे रेडी हो गए, और पिन व्हील्स में बेसिकली हमने नॉर्मल पिज़्ज़ा है, हमने सिर्फ इसको रोल करके इसका सर्विंग टाइप स्टाइल चेंज कर दिया, दैट्स इट। बाकी एग्जैक्टली पिज़्ज़ा है, और इसमें हमने इस्तेमाल किया और ऊपर की चेडर मोज़रेला चीज़, बहुत ही टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की और ग़ज़ाई से भरपूर गुडनेस। उस ओवरऑल अगर हम रेसिपी की बात करें तो आपको बड़ा एक हेल्दी एक्सपीरियंस हम करवा रहे हैं इन पिज़्ज़ा के थ्रू। चिकन हमने यूज़ किया है, आप चाहें इसमें फ़िश यूज़ कर सकते हैं, प्रॉन यूज़ कर सकते हैं, बीफ या कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सा सब्ज़ी हमने इसमें काले जैतून और शिमला मिर्च इस्तेमाल किए, आप चाहें इसमें टमाटर, इसमें प्याज, इसमें आप मशरूम्स, कोई सी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। और बेकिंग टाइम इसका 20 मिनट है। पिज़्ज़ा आमतौर पर हम 30 से 35 मिनट बेक करते हैं, लेकिन चूँकि कटे हुए हैं और स्मॉल साइज़ में 250 डिग्री पे इसको मैंने सिर्फ 20 मिनट पे तेज़ आंच पे पकाया और निकाल लिया। और ये हमारे बड़े मज़े के ब्रेकफास्ट सीरियल, जिसको हमने बेसिकली फाइबर लेग्स के साथ बनाया। और ये बॉल, ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार फाइबर लेग्स क्यों खाऊं, ये आमतौर पर जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल हाई होते हैं, जिनका निज़ाम हज़म बिल्कुल ख़राब होता है, उनके लिए ज़्यादातर स्पोल या फाइबर लेग्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक हेल्दी डाइट है और सबको खानी चाहिए और सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान। Add some masala to your life.